अस्सलाम वालेकुम हवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मोक के बारे में कि स्मोक क्या है और इसके बुरे असरात से कैसे बचा जाए। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। दरअसल धुआं, गर्द और दूध की आमिजिश को स्मोक कहते हैं। बारिश में तहीर के बायस मुल्क भर में धुंधला बादल यानी स्मोक के मुमकिन खदशात हैं, जो कि न सिर्फ आंखों में शदीद तकलीफ और हद-ए-लगाम खतरनाक कमी का बायस बन सकता है, बल्कि सांस और फेफड़ों की बीमारियों का सबब भी बन सकता है। गलियों, सड़कों के साथ साथ घरों के अंदर तक पहुँच जाने वाली ये आलूदगी बिलखसूस बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए दर्जा झील एहतियाती तदाबीर अख्तियार कीजिए। रोजाना ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में गुजारे, बाजारों, गलियों या सड़कों पर ज्यादा चलने फिरने से परहेज करें, घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, घरों की सफाई के दौरान जाड़ों की बजाय गीला कपड़ा इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकलते वक्त चश्मे का इस्तेमाल करें और सफर के दौरान या बाद में आंखों को पानी से अच्छी तरह धोए, हल्का और ढीला ढाला लिबास पहने, सर पर टोपी या रुमाल जरूर रखे, नाक और मुंह को मास्क या रुमाल से ढक कर रखे, बहुत ज्यादा ठंडे मशरूबात पीने से इज्तनाब करे, घरों के बाहर मट्टी वाली जगह पर पानी का छिड़काव करे, तमीराती जगहों और कूड़ा क्रिकेट वाली मुतफर जगहों पर भी तवज्जा दे ताकि धूल या मिट्टी वगैरह न उड़े। अपनी गाड़ियों का मुआयना करवाएं ताकि धुएं की वजह से माहौल में आलूदगी कम से कम हो और ज्यादा सफर करने से परहेज करें। बच्चों और बुजुर्गों पर खसूसी तवज्जा दें और इनकी सेहत का खास ख्याल रखें। आंखों और सांस की बीमारी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर या मुआलज से राबता करें। दोस्तों, ये थी हमारी स्मोक के बारे में कुछ मालूमात और उनके बारे में एहतियाती तदाबीर। अगर हमारी ये मालूमात आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल universal.com को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।